हमारी अपनी कौम बड़ी अजीज है, इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिन रात खिदमत की है। और आप देख लें आज पाकिस्तान के हर मंसूबे पे अगर किसी गवर्नमेंट का नाम लिखा हुआ तो मुस्लिम लीग नून का नाम लिखा हुआ है। जो बड़ा काम पाकिस्तान की तारीख में हुआ कभी, उसके पीछे मुस्लिम लीग नून है। कोई और पार्टी बता दे, कोई और पार्टी, कि उन्होंने ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए बनाया जो काबले जिक्र है, बता दें। वो जो जंगला बस कह ले, खुद जंगला बस बना के तो अरबों रुपए खा के तो गायब हो गए सीन से। तो वो कहानियां जो आप पढ़ते थे, और मैं भी पढ़ता था, मैं जेल में भी पढ़ता था, जिलावती में भी पढ़ता था, कि जैसे वो हुआ वो पेशावर में मेट्रो बस, वो किस कदर अपना उस पर घपले, आज तक उसकी कोई इंक्वायरी करके तो उसको किसी कोर्ट में भी नहीं लाया गया। तो मेरा ख्याल है कि इसका मुआवजना बड़ा जरूरी है करना, हमसे लिए भी अपनी कौम के लिए भी, कौम को भी मुआवजना करना चाहिए कि जी कौन क्या कर गया इस मुल्क के साथ, किसने इस मुल्क की खिदमत की है और किसने इस मुल्क को उजाड़ा है। ये कौम को सोचना चाहिए। आज मैं मुशर्रफ से पूछता हूं, पूछना तो हक है ना, देखें बाकी वो अल्लाह ताला के यहां चले गए हैं, अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ फरमाए, और कोई मुझे उनके खिलाफ कोई अपना नहीं है दिल के अंदर कोई शिकायत या शिकवा या गिला। दुनिया से भी चले गए तो क्या शिकवा होगा, लेकिन सिर्फ मैं ये पूछता हूँ कि आज सिर्फ ये बताएं वो कि क्या वजह थी कि उन्होंने एक अच्छे भले वजीर आजम को, गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उखाड़ के बाहर फेंका, और उसके बाद फिर असेंबली भी तोड़ दी, सेनेट भी तोड़ दिया, अदलिया ने उनका वेलकम किया, गले में हार पहनाया और कहा जी कि आपका इंतजार था, आप कहाँ थे, आपको तो पहले आना चाहिए था। और उस वजीर आजम को गिरफ्तार कर लिया जिसने एटमी बटन पे अपना अंगूठा रखा था और दबाया था और 6 एटमी धमाके किए थे, यानी ये सिला दिया उस वजीर आजम को। तो ये सब कुछ हम देखते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज तक ना हमने कोई खातरखा एहतजाज किया है, तो ना ही हमारी कौम ने कभी इसका नोटिस लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें बिल्कुल तारीख से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है और इनको फरामोश नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर देखें हम मुल्क से बाहर रहे, कैदों बंद रहे, उसके बाद कहाँ कहाँ नहीं गए, अटक फोर्ट के अंदर बंद कर दिया रात को, वहां पे गीदड़ों की और वो जो है वो जंगली जानवरों की आवाजें आती थी रात को जब लेट सोए होते थे, उनकी आवाजों से बल्कि उठ जाते थे हम। मोहतरमा मैं इनको सलाम पेश करता हूँ, ये मेरी बराबर ये मेरी मजाज पुरसी करती रही, आती नहीं वहां पर, अटक फोर्ट में आती रही, कराची लांडी जेल में था वहां आती रही, इनके भाई भी वहां थे शाहिद खाकान अब्बासी, बहुत उम्दा इंसान थे, बड़ी जुर्फ के साथ उन्होंने जेल काटी मेरे साथ, बड़ी बहादुरी के साथ, और उफ तक नहीं कभी किया उन्होंने, मैं दाद दूंगा उनकी पीठ के पीछे बात कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने बहुत ही जुर्म के साथ, बहादुरी के साथ मेरा साथ भी दिया और जेल भी काटी और मसाइब भी बर्दाश्त किए। इन मलदा साहब हमारे लिए बहुत दुआ गो थी। तो ये जो सच बात है वो करनी चाहिए और कहनी चाहिए। तो ये मुझे वो वक्त याद आता है, तो अल्लाह के फजलो करम से हम भी मुतजलजल नहीं हुए, दुख काटे, मुसीबतें काटी, अल्लाह ताला ने वो वक्त भी गुजार दिया। कभी कभी मैं हिसाब लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज तक मैं गिन नहीं सका सही तरह से कि हम इक्तदार में या हुकूमत में या वजारत उज़्मा की सीट पे मैं
ज्यादा साल रहा हूं या जलावतनी या जेलों में ज्यादा साल रहा हूं। हमें हक को हक कहना होगा, सच को सच कहना होगा और बातिल को बातिल कहना होगा। और जो लोग अंधाधुंध बातिल के पीछे भागते हैं, ये नहीं देखते कि ये मुल्क के साथ क्या क्या सलूक कर गया है, पाकिस्तान के अंदर गरीब लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, महंगाई को आसमान पे ले गया है, और फिर ना रोटी मुयस्सर है, ना सालन मुयस्सर है, ना बिजली मुयस्सर है, है तो बहुत ऊंचे रेट पे। ये क्या मैं छोड़ के गया था ऊंचे रेट पे बिजली? मैं तो इंतहाई सस्ते रेट पे बिजली को छोड़ के गया था। मैं तो पूरे मुल्क के अंदर घर घर बिजली अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा के गया था। मैं खुद नहीं गया था, मुझे निकाला गया था। और अगर वो ना निकालते तो आज शायद मुल्क के अंदर बेरोजगारी का नाम ना होता, मुल्क के अंदर गुर्बत का नाम ना होता। अल्लाह ताला करने वाला है, मैं अल्लाह ताला के फजल करम से कह रहा हूं कि जिस मंसूबे पे और जिस एजेंडे पे हम काम कर रहे थे, तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क के अंदर इन चीजों का कोई नाम ना होता आज तक। आज तो हम वाकई G20 में बल्कि उससे भी आगे निकल गए होते। हमें किसी IMF की जरूरत ना होती। और ये जो IMF की जब बात आती है, हालांकि मैं खुद कोई IMF के सहारे ढूंढने वाला बंदा नहीं हूं, लेकिन उन्होंने जो IMF के खतूत लिखे और कोशिश की कि IMF ना आए ताकि ये हुकूमत या ये मुल्क बैठ जाए, यानी दोबारा हम तो IMF को देखो, ये भी सुनने वाली बात है, हमने तो IMF को खुदा हाफिज कहा था, ये उसको दोबारा लेकर आए। हमने तो कहा था और IMF ने खुद कहा था कि अब शायद पाकिस्तान को दोबारा IMF की जरूरत नहीं होगी और जरूरत नहीं पड़ेगी, और उन्होंने भी कहा था। लेकिन दोबारा फिर IMF क्यों आया? और आज इतनी बड़ी बड़ी शर्तें वो लगा रहे हैं, वो शर्तें मानी जाएं तो फिर गरीब के लिए मुसीबतें क्यों नहीं पैदा होंगी? अल्लाह ताला का शुक्र है इन सब चीजों के बावजूद कि इतने खराब हालात में हमने अनाने हुकूमत संभाली है। तो आज माशाल्लाह महंगाई भी कम हो रही है, आज माशाल्लाह चीजों रोजमर्रा की जो अशिया हैं उनके रेट भी कम हो रहे हैं। आज अल्लाह ताला के फजल करम से स्टॉक मार्केट अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स पर गिर जा रही है। आज पाकिस्तान के अंदर एक लोगों के अंदर कुछ थोड़ा सा सुख का सांस आना शुरू हुआ है। तो मैं जिसके लिए शिवाज साहब को भी शाबाश दूंगा, बहुत बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और बहुत खलूस नीयत से काम कर रहे हैं, और बिल्कुल उन्होंने दिन रात एक किया है। मैं मरियम नवाज शरीफ को भी शाबाश दूंगा कि भी माशाल्लाह दिन रात मेहनत कर रही हैं, हर जगह अल्लाह ताला के फजल करम से पहुंच रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, गुल मिल रही हैं, और आटे की कीमत, गंदम की कीमत और आटे की कीमत जो है वो नहीं बढ़ी, उसमें इनका भी बहुत बड़ा किरदार है और शाबाश के मुस्तहिक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने की हैं तो उनके असरात आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ चीज़ें वैसे उनकी रेट्स गिरने शुरू हो गए हैं। तो मैंने कहा था अभी जहाँ जनरल काउंसिल की मीटिंग में, ये सबूत है इस बात का कि अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ रहा है और आप नेक नीयत के साथ काम करेंगे, खलूस नीयत के साथ काम करेंगे तो आइंदा भी अल्लाह आपकी मदद करेगा, आइंदा भी अल्लाह ताला आप की मेहनत को रहेगा नहीं जाने देगा। और इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला का असूल है, ये कुरान पाक में भी लिखा हुआ है और अहादीस में ये भी ये बातें हैं, तो वो कैसे गलत हो सकती है नऊज़ बिल्ला। तो जो ये कर रहे हैं इसी तरह से करती चली जाएं, जो शिवाज शरीफ कर रहे हैं वो भी करते चले जाएं, तो
تو یہ ملک بحرانوں سے انشاءاللہ بہت جلد باہر نکل آئے گا. اور ایک گڈ فیل فیکٹر جو کہ جس نے آغاز اب دوبارہ جنم لیا ہے وہ انشاءاللہ بہت حد تک انشاءاللہ دوبارہ ریسٹور ہوگا. تو آپ ہمیں تانا دیتے ہیں, ڈیموکریسی کو خود آپ نے تباہ و برباد کیا اس ملک کے اندر, آپ ہمیں اس کا مجرم ٹھہراتے ہیں. ہمارے زمانے میں تو ہم تو آپ کے گھر چل کے گئے تھے, ہم تو مجھے ضرورت نہیں تھی جانے کی, وہ میں ووٹ مانگنے نہیں گیا تھا اس سے, میں اس کو میں یہ نہیں کہنے گیا تھا کہ آؤ اسمبلی میں آپ مجھے ووٹ آف کانفیڈنس دو یا میری مدد کرو یا میں پھنس گیا ہوں آؤ ہمیں اس سے نکالو. میں چل کے گیا تھا آپ کے پاس کہ آؤ مل کے کام کریں. محترمہ بینظیر بھٹو نے اور میں نے, ہم نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کیے تھے, اور یعنی وہ بھی لڑتے ہیں الیکشن, ہم بھی لڑتے ہیں الیکشن, وہ ان کی میجورٹی آئے تو وہ گورنمنٹ بناتے ہیں, ہماری آئے تو ہم بناتے ہیں, نہ آئے تو ہم اس قدر دور نہیں ایک دوسرے سے کہ ہم مل کے گورنمنٹ نہ بنا سکیں. ہم جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے ہم آپس میں مل کے گورنمنٹ بھی فارم کر لیتے ہیں اور گورنمنٹ چلاتے ہیں. یہ ہے حسن ڈیموکریسی کا. تو میں تو آپ کو اسی ڈیموکریسی کے اندر میں لانے کے لیے آپ کے پاس گیا تھا, لیکن آپ تو ہمیشہ ایک روٹھے ہوئے بندے کی طرح سے شروع سے ہی آپ اپنا پچھلے 25 سال سے آپ کا یہ جو رویہ ہے, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا, میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, میں نواز شریف کے کمرے سے میں ایئر کنڈیشنر اتار لوں گا. اب تم جیل میں ہو, میرا تو کبھی دھیان بھی نہیں گیا تمہارے ایئر کنڈیشن کی طرف, تم نے ایک کی بجائے دو لگوا لو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اپنا یہ میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں, ورنہ کہ میں دل میں اس طرح کی کینہ پروری کروں یا کینہ رکھوں یا عداوت رکھوں یا میں کوئی بدلہ یا انتقام کی سیاست کروں. تم نے تو کچھ چھوڑا, جا کے کہاں کہہ رہے ہو امریکہ میں کہ میں نواز شریف کے قید خانے سے میں اترواؤں گا میں ایئر کنڈیشنر. پرائم منسٹر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, آئی جی میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا, وہ وزیر اعظم نواز شریف میں تمہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے تمہیں میں کھینچ کے لے کے آؤں گا. یہ دھرنے میں کہا انہوں نے کہ ہم اپنے ایجنڈے کو, جو ایجنڈا ہم نے 1990 میں شروع کیا تھا, اس کو اس ایجنڈے پہ دوبارہ گامزن ہو, اسی کو دوبارہ شروع کرے. میں مریم کو کہتا ہوں جی کہ پنجاب کے اندر جتنا بھی پیسہ ہے آپ کے پاس وہ غریبوں کی ویلفیئر پہ لگاؤ. جو غریب جو پیسہ سب سے پہلے اس کا حق ہے. میں شہباز شریف صاحب سے بھی یہ کہتا ہوں اور میں یہی کہتا ہوں جی کہ ان لوگوں کا پہلا حق ہے. ایسا کوئی نظام لے کے آئیں, بیٹھیں, سستی بجلی لوگوں کو پرووائڈ کریں, سستی بجلی. اگر آٹا سستا ہوا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے, گھی سستا ہوا ہے بہت اللہ کا شکر ہے, ڈیزل پٹرول سستا ہوا ہے اللہ کا بہت شکر ہے, سبزیاں سستی ہوئی ہیں اللہ کا بہت شکر ہے, اور کیا سستا ہوا ہے, چکن. میں سمجھتا ہوں جی کہ ایسی پالیسی بننی چاہیے کہ ہمارا ملک کے اندر بجلی سستی آئے, گیس سستی آئے, ان دو چیزوں پہ فوکس ہونا چاہیے حکومت کا. اور آپ ماشاء اللہ سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی وہاں پر ان چیزوں کے لیے آواز اٹھائیں. مسلم لیگ نون کے قائد اور صدر محمد نواز شریف سینٹ میں پارلیمانی پارٹی کے ارکان